अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आईफोन की ऐप्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उन्हें कैसे इन्हेंस और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए लाजमी है कि आपका आईफोन iOS 15 पर अपग्रेड हो। तो आपने सेटिंग खोल लेनी है। सेटिंग में जाने के बाद आपने एक्सेसिबिलिटी में जाना है। यहाँ पर आपने नीचे प्री ऐप सेटिंग में जाना है। यहाँ से ऐड ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आप अपनी ऐप को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं हेल्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हेल्थ सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ से हेल्थ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप बोल्ड टेक्स्ट, लार्जर टेक्स्ट, बटन शेप्स, ऑन ऑफ लेबल्स, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज कंट्रास्ट वगैरह और स्मार्ट एंड वर्ड जैसे फीचर से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ से लार्जर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैंने बढ़ा दी है, तो ये चेक कर लेते हैं अभी। ये चेक करें, इस तरह आप इन फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी यहाँ से दूसरी ऐप को ऐड करते हैं। तो आपने ऐड ऐप पर फिर क्लिक करना है और यहाँ से मैं कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैलेंडर में भी इसी तरह आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने जो भी ऑप्शन ऑन रखना है उसे अलग इसी तरह ऑन रख सकते हैं हर एक ऐप के। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।